हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यानी अग्रांतर अंतर्वेशन। फ्रेंड्स, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन क्या होता है? हमारे पास कोई एफ एक्स होता है और ये हम पढ़ेंगे जो समान अंतरालों के लिए पढ़ेंगे। फोर इक्वल इंटरवल, फोर इक्वल इंटरवल के लिए हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस अगर एफ एक्स है और कोई इसका डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास एच, तो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, अगला फंक्शन होगा एफ एक्स प्लस एच। अब जो डिफरेंस होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला आता है वो है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब फ्रेंड्स, ये पढ़ना है हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है हमारे पास पी एन एक्स, यानी हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा जो कि एन डिग्री का होगा। एन डिग्री का फंक्शन अगर उसको हम एफ पॉलिनोमियल जो होगा वो एफ एक्स, उसको हम एफ एक्स से शो कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल क्यू एफ ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल एच क्यू एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस डॉट डॉट चलता हुआ। फ्रेंड्स, जो लास्ट टर्म होगी वो होगी हमारे पास डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ये होगा एक्स माइनस ए माइनस एच और ये मल्टीप्लाई चलता हुआ, यह होगा हमारे पास एक्स माइनस एन माइनस वन एक्स माइनस एन माइनस वन एच एंड माइनस ए। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन टाइम एच, ये होगा, या एन माइनस वन टाइम एच है ऊपर। इसको हम एक रेखाबंध नहीं कहते हैं, इसको छोटा क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एन माइनस वन एक अलग से है। अब फ्रेंड्स, इसको हम कैसे निकालते हैं ये पढ़ते हैं। इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स प्रूफ करते हैं, हम ये होता है, ये प्रूफ करेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन विच वैल्यू ऑन x इक्वल टू a प्लस एच ए प्लस टू एच डॉट डॉट ए प्लस एन एच। जो एफ एक्स है अपने पास वो है अपने पास एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच चलते हुए एफ ए प्लस एन एच। और साथ में हमने माना है जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, ये माना है फ्रेंड्स। तो एफ एक्स को हम किस तरह, एफ एक्स या पी एन एक्स, इसको हम पी एन एक्स भी बोल सकते हैं, एफ एक्स भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या शो कर सकते हैं, ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस चलते हुए ये अपने पास ए थ्री लिखे तो हम ये आ जाएगा, ए थ्री को लिखे तो ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस टू एच सॉरी डॉट ए डॉट डॉट ए चलते हुए, हाँ ये प्लस ये सॉरी फ्रेंड्स प्लस ये प्लस और ये प्लस चलते हुए ये अपने पास आ जाएगा। जो लास्ट टर्म होगा वो आएगा एन ए एन एक्स माइनस ए माइनस एच डॉट डॉट मल्टीप्लाई में ये होगा एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन एच।
फ्रेंड्स देख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस एच या एन बार मल्टीप्लाई है इसका, तो ये एक्स की पावर हाईएस्ट होगी वो एन होगी, ये एन एक्स की पावर एन जो होगा वो हमारे लास्ट पर होगा। तो हम कह सकते हैं जो ये पॉलिनोमियल है ये फंक्शन ये इसका जो ऑर्डर है इस फंक्शन का ये सो पी एन एक्स इज अ फंक्शन या फंक्शन या पॉलिनोमियल दोनों बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स साहब। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए जीरो है ए जीरो ए वन डॉट डॉट ए एन तक चल रहे हैं हमारे पास ए एन आर दी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एंड हम जो ए जीरो ए वन ए एन को इस तरह से चूज करते हैं कि पी एन ए बराबर हमारे पास एफ ए हो पी एन ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच हो प्लस चलते हुए पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच हो ये इस पर इस तरह से हम चूज करते हैं इनको। अब फ्रेंड्स हम एक्स बराबर अगर ए पुट करें इस इक्वेशन में एक्स बराबर पुट ए पुट करें तो यह हमारे पास आ जाएगा पी एन ए इक्वल टू पी एन ए एक्स बराबर ए पुट कर दिया तो बाकी सब साइड टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये पे ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये साइड टर्म जीरो हो जाएंगे ओनली ए जीरो बच जाएगा पी एन ए बराबर ए जीरो आ गया। अब एफ ए प्लस एच निकालें तो हम जो कि हमारे पास ए जीरो ये पी एन ए किसके इक्वल है ये एफ ए के इक्वल है और इस तरह पी एन ए प्लस एच निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास ये पुट करने पे हमारे पास ये जीरो तो सेफ रहेगा और यहाँ पे अगर हम ए प्लस एच पुट करेंगे एक्स बराबर ए प्लस एच तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा ए वन एक्स अगर हमें ए प्लस एच पुट करना है तो ए प्लस एच माइनस ए तो ये हो जाएगा हमारे पास ये ए जीरो तो बच गया ए वन प्लस ए वन एच ये हो गया हमारे पास बाकी सारी टर्म हमारे पास एक्स बराबर ए क्योंकि ए माइनस एच है यहाँ पे तो एक्स बराबर ए प्लस सो हाँ ए प्लस एच पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी इस तरह इस टर्म में ए प्लस एच वाली ये टर्म जीरो हो जाएगी तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स ये हमारे पास ए जीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है ए जीरो यहाँ से हमें ए वन की वैल्यू निकालनी है तो ए वन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये क्या हमारे पास पी एन ए प्लस एच इसको क्या इसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं पी एन ए प्लस एच को लिखते हैं एफ ए प्लस एच इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एच फिर ए जीरो क्या है हमारे पास ए जीरो क्या है एफ ए तो ये होगा एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस ए वन एच यहाँ से हम ए वन बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स ए वन बराबर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच या इसको लिख सकते हैं डेल एफ ए अपॉन एच तो ए वन बराबर क्या होगा फ्रेंड्स हमारे पास ए वन बराबर होगा डेल एफ ए अपॉन एच। अब फ्रेंड्स हम एफ ए प्लस टू एच पे देखते हैं मैं ए प्लस टू एच पे पुट करते हैं तो पी एन एक्स बराबर ए प्लस टू एच पुट कर रहे हैं तो ए प्लस टू एच इक्वल टू ए जीरो रहेगा प्लस यहाँ पे एक्स प्लस टू एच पुट करेंगे तो ए वन और ए प्लस टू एच पुट किया तो एक्स बराबर ए से तो ए कट जाएगा और टू एच रह जाएगा टू एच प्लस इस तरह यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए टू आएगा यहाँ से टू एच आएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा एच तो टू एच डॉट एच ये आ जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये आ चुका है तो हमें यहाँ से अब ए टू की वैल्यू निकालनी है हमारे पास ए जीरो की वैल्यू है ए वन की वैल्यू है तो ए जीरो की वैल्यू निकाल और एफ एन ए प्लस टू एच बराबर क्या होता है पी एन ए प्लस टू एच बराबर एफ ए प्लस टू एच होगा इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन टू एच प्लस ये होगा टू एच स्क्वायर ए टू तो फ्रेंड्स ए टू बराबर क्या हो गया हमारे पास एफ ए प्लस टू एच ये आ गया ये ए टू बराबर निकाल रहे हैं तो एफ ए प्लस टू एच तो इधर ही है उसी साइड में मतलब हमने बाकी टर्म को इधर ले जा रहे हैं तो ये होगा एफ ए प्लस टू एच माइनस ए जीरो की वैल्यू क्या है अपने पास एफ ए और एफ ए वन प्लस टू एच की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे निकाली थी ए वन की वैल्यू निकाली थी वो थी डेल एफ ए अपॉन एच या इसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए तो ये हो जाएगी हमारे पास
माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये माइनस के साइन फ्रेंड्स बाहर है और साथ में इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2h का, तो ये 2h का मल्टीप्लाई हो गया इसमें। अब ए टू बराबर हमें निकालना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू बराबर एफ ए प्लस 2h, और साथ में जो मल्टीप्लाई चल रहा है ये था अपने पास 2h2। इस 2h2 को हम यहीं पर रख रहे हैं, अभी 2h2 मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, सिर्फ ए h2 ए टू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस, ये हो जाएगा एफ ए, अगर 2h का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2h के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पे एच से एच कट जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए माइनस एफ ए माइनस, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच टू माइनस 2fa, ये फिर सॉरी माइनस का माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई हुए प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस 2h माइनस 2fa प्लस एच, और ये एफ ए हमने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, ये नहीं है हमारे पास, तो ये माइनस एफ ए और ये 2fa, तो ये प्लस एफ ए रह गया। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं हम डेल स्क्वायर एफ ए, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1fa, या इसको लिख सकते हैं ई माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ए। अब फ्रेंड्स 2h2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ए टू इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2h2, या इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल h2। इस तरह फ्रेंड्स हम एफ ए प्लस 3h निकालें, एफ ए प्लस 3h यानी कि हम निकाल रहे हैं ए बराबर सॉरी एक्स बराबर ए प्लस 3h पुट कर रहे हैं, तो एक्स बराबर ए प्लस 3h पुट करने पे इस क्वेश्चन में अगर हम एक्स बराबर ए प्लस 3h पुट कर रहे हैं इसमें ये, तो ये टर्म बचेंगी, सिर्फ 3 टर्म तक बचेंगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बच जाएगा वो रहेगा हमारे पास ए 0 प्लस 3h a1 प्लस 3h a2 प्लस 3h.2h.h यहाँ पर 3h.2h और बचेगा यहाँ पे यहाँ 3h.2h.h और a3, ये बचेगा हमारे पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ए जीरो, ये तो ए 0 है प्लस 3h a1 प्लस 6h2 a2 प्लस 6h3 a3। अब फिर से हमें a3 की वैल्यू निकालनी है, तो ए थ्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म को एक तरफ रखना है और बाकी टर्म को इधर ले आना, तो 6h3 a3 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एफ ए प्लस 3h माइनस ए जीरो माइनस 3h a1 माइनस 6h2 a2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम a1 a2 की वैल्यू रख सकते, a1 a2 a0 की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस 3h माइनस ए जीरो की वैल्यू अपने पास ए एफ ए है ही माइनस 3h, और ए वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वन की वैल्यू ये यहाँ से रखनी है हमें ए माइनस ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच माइनस 6h2 सॉरी 6h2, और ए टू की वैल्यू हम यहाँ फ्रेंड्स यहाँ से पुट करेंगे, ए टू की वैल्यू जो पुट करनी है हमें यहाँ से पुट कर सकते हैं हम, अगर यहाँ से ए टू ए सॉरी 2h2 ए टू बराबर ये था, तो ए टू बराबर क्या जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस 2fa प्लस एच
प्लस एफ ए अपॉन 2h2, ये बच जाएगा। अब फिर ये बच गया तो हम देखते हैं एच का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए माइनस 3h, तो एच कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 एफ ए प्लस एच प्लस 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 एफ ए, इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये 3 और एच स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 3 रह जाएगा तो ये 3 एफ ए प्लस 2h, 2h ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स माइनस 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 मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ से 2 से 3 बच गए लेकिन 6 हो गए, 6 एफ ए प्लस एच माइनस यहाँ का अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस 3 एफ ए। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस 3 एच। अब हम ए प्लस 2 एच देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास ए प्लस 2 एच यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो माइनस 3 एफ ए प्लस 2 एच। अब एफ ए प्लस एच देखते हैं फ्रेंड्स, एफ ए प्लस एच ये रहा माइनस 3 एफ ए प्लस एच और 6 एफ ए प्लस एच, तो ये होगा 3 एफ ए प्लस एच, और एफ ए देखते हैं तो ये माइनस 3 एफ ए माइनस एफ ए एंड 3 एफ ए, तो ये 3 एफ ए से 3 एफ ए चला जाएगा, ये माइनस एफ ए बच गया। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं ई क्यू माइनस 3 ई स्क्वायर माइनस 3 ई माइनस 1 एफ ए, तो ये हो जाएगा ई माइनस 1 का क्यूब एफ ए, तो ये हो गया हमारे पास डेल क्यूब एफ ए। अब फ्रेंड्स 6h³ ए 3 इक्वल टू डेल क्यूब एफ ए आ गया, तो इससे हमारे पास ए 3 बराबर आ गया हमारे पास, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये हो गया डेल क्यूब एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स जब हमारे पास ये आ चुका है तो अब इसी टर्म से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हम ए 4 निकालेंगे इसी तरह से, तो ए 4 बराबर हुआ जाएगा अपने पास डेल 4 एफ ए अपॉन 4 फैक्टोरियल एच क्यूब, और इसी तरह से ए एन जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच क्यू। अब फिर हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री सभी की वैल्यू आ चुकी है, अब ये सारी वैल्यू हमारे पास जब आ चुकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर ए वन ए टू ए थ्री वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है, जो हमने माना था वाई इक्वल टू ये माना था हमें पी एन एक्स इक्वल टू माना था मैंने ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए, अब इसमें पुट करनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास पी एन एक्स इक्वल टू सारी वैल्यू पुट कर दें, ए जीरो बराबर क्या था एफ ए प्लस ए वन बराबर क्या था अपने पास ए वन जो निकाला था वो था डेल एफ ए अपॉन एच, तो ये हो जाए ये रहा अपने पास डेल एफ ए अपॉन एच जो पहले हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा डेल एफ ए अपॉन एच और एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में ए थ्री ए टू की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी ए टू की वैल्यू थी डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच। इसी तरह डेल क्यू ए थ्री की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास डेल क्यू एफ ए अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 3 फैक्ट एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस डॉट डॉट चलते हुए प्लस। अब हम ए एन की वैल्यू पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू क्या थी डेल एन अपॉन डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच क्यू, तो ये डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच एन और एक्स माइनस ए ये मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स माइनस एक्स माइनस ए माइनस एच डॉट डॉट चलते हुए एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 टाइम एच, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास जो कि हमें प्रूव करना था। अब फ्रेंड्स हमें जो यहाँ पे इस पर ज़रूरत पड़ती है इस क्वेश्चन में मैश मोस्टली जो हम सॉल्व करते हैं, तो पी एन एक्स यहाँ पे हमारे पास एक्स जो होता है कोई एन वा पद होता है, जहाँ पे हमारे पास जो एच एच होता है इंटरवल होता है, तो उसको निकालने के लिए सिंपल ए प्लस एन एच होता है हमारे पास,
ए प्लस एन एच जो पद होता है वो एक्स होता है, तो एक्स बराबर ए प्लस एन एच पुट करते हैं तो हो जाएगा पी एन एक्स ने ए प्लस एन एच। इसको हम क्या इससे इसको निकालें तो क्या होगा, हमारे पास एफ है तो एफ ही रहेगा प्लस डेल एफ ए अपॉन एच, और एक्स ए प्लस एन एच पुट किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए तो ये हो जाएगा ए की जगह एन ए प्लस एन एच पुट करना है हमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए प्लस एन एच पुट करेंगे तो एच से ये यहाँ से ए प्लस एन एच, तो ए से ए कट जाएगा एन एच बच जाएगा, तो एन एच से तो एच कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच से एच कट जाएगा उस कंडीशन में, आ जाएगा हमारे पास एन प्लस, इसी तरह यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा एन कोष्टक एन माइनस वन डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस, इस तरह अगले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन एन कोष्टक एन माइनस वन अपॉन एन माइनस टू डेल एन एफ सॉरी डेल यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल क्यू एफ ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस, चलते हुए लास्ट में हो जाए वन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एन एफ ए, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये जो फॉर्मूला होता है हम इस फॉर्मूले से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले से किस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारे पास फ्रेंड्स ये एक प्रॉब्लम है, यूज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू कंप्यूट बाई जो वैल्यू है एक्स की 3.62 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी हुई है हमारे पास जो जिसके एक्स पे एक्स की हमारे उसके मान दी हो उस पर उन पर वाई की जो वैल्यू आती है वो दी हुई है हमारे पास, और हमें पूछा है ए बराबर जो है हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं ए बराबर 3.60 एंड हमारे पास एच बराबर क्या है, इसमें एच बराबर 0.5 है तो ये होगा 0.5, और हमें एक्स बराबर क्या है हमारे पास फ्रेंड्स ये 3.62। तो हमने जो प्रॉब्लम पढ़ी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे एक्स बराबर ए प्लस एन एच, तो एक्स बराबर ए प्लस एन एच इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3.62 इक्वल टू ए क्या था 3.60 प्लस एन, एन की जगह हम यू मान लेते हैं यू, क्योंकि वो अधिकतर बुक्स में उसको यू ही माना गया तो हम यू मान रहे हैं यू, और एच एन हमारे पास 0.5। तो फ्रेंड्स यू बराबर हमारे पास निकालने के लिए यू बराबर आ जाएगा हमारे पास ये यहाँ से 0.5 इंटू यू, ये आ गया इधर ये माइनस किया तो ये आएगा 0.02, तो हमारे पास यू बराबर आ गया फ्रेंड्स 0.4। अब यू बराबर 0.4 आ चुका है। अब पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखनी है हमें, वाई की वैल्यू रखनी है, और एक्स की वैल्यू क्या है 3.60 3.65 3.70 3.75, और जो वाई की वैल्यू है वो है हमारे पास 36.598 38.475, ये सारी वैल्यू है हमारे पास 475 40.447 और ये लास्ट है अपने पास ये हमारा 42.521। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम निकालते हैं डेल वाई, डेल वाई निकालते हैं तो डेल वाई क्या करते हैं हम अगले टर्म में से पिछले वाला वैल्यू घटा देते हैं, तो 38 माइनस 475 माइनस 36 माइनस 0.598 ये करते हैं तो ये आ जाएगा 1.877, इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास 40.447 में से 38.475 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1.972, इस तरह यहाँ से इसमें से ये माइनस करते हैं तो आ जाएगा 2.074। अब फ्रेंड डेल स्क्वायर वाई निकालते हैं, डेल स्क्वायर वाई के लिए क्या करना है, इसमें से हमें ये माइनस करना है तो ये माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.095, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.102। अब फ्रेंड्स डेल क्यू वाई निकालते हैं, डेल क्यू वाई 0.102 में से 0.095 करते हैं तो ये आ जाएगा 0.007। अब आगे टर्म हम निकाल नहीं सकते फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो अब ये निकाल लिया हमने
अब जो फॉरवर्ड न्यूटन का जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला था क्या, वो क्या था अपने पास, वो हमारे पास ये था पी एन एक्स प्लस ए एच बराबर एफ ए एन, एन की जगह हमने यू माना हुआ है, तो यू डेल एफ ए प्लस यू यू माइनस वन डेल स्क्वायर एफ ए पॉइंट टू फैक्टोरियल, इस तरह से लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, लिख लेते हैं वाई एक्स या वाई ए प्लस यू एच इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास वाई ए, ए बराबर क्या है हमारे पास 3.60, तो वाई ए प्लस यू डेल वाई ए प्लस यू यू माइनस वन डेल स्क्वायर वाई ए अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू वाई ए, प्लस आगे टर्म चलती रहेंगे, लेकिन आगे टर्म हमारे पास डेल फोर वाई निकालते हैं तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्री ही हमारे फोर वैल्यू दी हुई है, तो हम थ्री तक ही निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाई ए प्लस यू एच बराबर क्या था, 3.62 था ए प्लस यू एच, तो वाई 3.62 इक्वल टू, अब वाई ए की वैल्यू क्या थी, वाई ए की वैल्यू थी 36.598, ये हो जाएगा 36.598, प्लस यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.4, यू की वैल्यू 0.4 ये रही यहाँ पे, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू डेल वाई ए, डेल वाई ए फर्स्ट बार डेल वाई ए क्या है 1.877, तो 1.877 प्लस, अब यहाँ पे यू यू माइनस वन, तो 0.4 एंड 0.4 माइनस वन इंटू हो जाएगा माइनस 0.6, ये मल्टीप्लाई हो गया इंटू डेल स्क्वायर बाई ए, तो ये क्या 0.095, 0.095 का मल्टीप्लाई अपॉन फैक्टोरियल टू, तो टू प्लस अगली टर्म में हो जाएगा 0.4, क्यों यू यू माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.6, ये हो जाएगा माइनस यू माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस 0.1 सॉरी माइनस 1.6, ये हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल थ्री यानी कि 6, और डेल क्यू बाई बराबर क्या है 0.007। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बाई 3.62 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये 36.598 प्लस ये 0.4 इंटू 1.877 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 0.7508, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा इससे, और ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0114 प्लस 0.000488, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, आप इसमें कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 37.33748, राउंड ऑफ में इसको लिख सकते हैं हम 37.338, यहाँ के बाद 8 5 से बड़ा नंबर है तो 338 लिख सकते हैं। ये फिर इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास।